नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपकी अपनी अक्षरा सिंह। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं बिस्वा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मृति सिन्हा। आ रही हूँ आप सभी लोगों से मिलने 2 अक्टूबर को आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर। दैनिक जागरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय डांडिया नाइट कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल ग्राउंड में 1 और 2 अक्टूबर को होगा। इस रंगारंग कार्यक्रम का आगाज 1 अक्टूबर को इंटर स्कूल डांस प्रतियोगिता के साथ शुरू होगा। वहीं 2 अक्टूबर रविवार को संध्या भोजपुरी अभिनेत्री व गायिका अक्षरा सिंह, बॉलीवुड गायिका विश्वा व भोजपुरी अभिनेत्री स्मृति सिन्हा के साथ लाइव कार्यक्रम होगा। वहीं युवाओं में डांडिया नाइट कार्यक्रम को लेकर बेसब्री से इंतजार है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिभागी खूब पसीना बहा रहे हैं। वे दर्शकों ने भी कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह है। शहर के अलग अलग चौक चौराहों पर युवाओं के बीच कार्यक्रम को लेकर खूब चर्चा है। इस दौरान कार्यक्रम में होने वाली प्रतियोगिता को लेकर स्कूल व कोचिंग के प्रतिभागी लगन के साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन प्रतिभागियों द्वारा डांडिया डांस की प्रस्तुति दी जाएगी। उनकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने के लिए जाने माने निर्णायक मंडल की टीम मौजूद रहेगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर को इंटर स्कूल व कोचिंग संस्थाओं के बच्चों द्वारा प्रस्तुत भी दी जाएगी। वहीं द बिस्ट डांस एकेडमी, ड्रीम डांस एकेडमी, क्रिएटिव डांस एकेडमी, डांस बिग डांस, एडवांस डांस एकेडमी, यूनिक डांस एकेडमी एवं कई अन्य प्रोफेशनल डांस एकेडमी 2 अक्टूबर को डांडिया डांस में शिरकत करेंगे, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करेंगे। इस दौरान युगल जोड़ियों के अलावा दर्शक भी सितारों के साथ संगीत की धुन पर झूम उठेंगे। दैनिक जागरण के मार्केटिंग मैनेजर अभितेंद्र प्रताप नारायण ने बताया कि दैनिक जागरण कई सालों से डांडिया कार्यक्रम कराता आ रहा है और मुजफ्फरपुर शहर में बाहर के कई सेलिब्रिटी को लाकर यहां के शहरवासियों का मनोरंजन कराता आ रहा है। इसी कड़ी में हर साल की भांति इस वर्ष भी भव्य डांडिया डांस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बार अभिनेत्री व गायिका अक्षरा सिंह, बॉलीवुड गायिका विश्वा व कई अन्य सिंगर कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। यहां पर 1 और 2 अक्टूबर को डांडिया डांस का कार्यक्रम होगा। वहीं जागरण के मार्केटिंग मैनेजर ने बताया कि भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस कार्यक्रम का डिजिटल मीडिया पार्टनर मुजफ्फरपुर न्यूज है। कार्यक्रम से जुड़े आगे की खबरों के लिए मुजफ्फरपुर न्यूज से जुड़े रहें। दैनिक जागरण कई सालों से डांडिया को यहाँ पे कराता आ रहा है और मुजफ्फरपुर शहर में बाहर के कई सेलिब्रिटीज़ को लाकर यहाँ के पब्लिक को, यहाँ के आम लोगों को मनोरंजन का कार्यक्रम हमेशा देता रहा है। उसी क्रम में हम डांडिया हर साल करते आ रहे हैं और इस बार जो हमारे साथ जो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं वो अक्षरा सिंह है, विश्वा सिंगर हैं और भी कई सेलिब्रिटीज़ हैं जो आ रहे हैं। और हम लोग जो डांडिया है वो 2 दिन का प्रोग्राम हम लोग का यहाँ पे है, 1 और 2 को। फर्स्ट डे जो 1 तारीख को हम लोग कर रहे हैं वो बच्चों का डांस कंपटीशन जो है वो करवाते हैं, जिसमें डांस इंस्टीट्यूशन के जो कुछ इंस्टीट्यूशन है उनका और स्कूल के जो बच्चे हैं उनका डांस कंपटीशन करवाकर उनको 1-3 में हम लोग प्राइज़ और मोटिवेट करने का कोशिश करते हैं। और जो सेकेंड डे है उसमें हम लोग जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस रहता है और जो मुजफ्फरपुर जो वासी हैं, मुजफ्फरपुर के जो लोग हैं, जो उनका जो पेयर में जो युगल जो जोड़ी में हम लोग डांडिया खेलने का प्रबंध करते हैं, पूरी सुरक्षा यहाँ पे दी जाती है उन लोगों को और भरपूर मनोरंजन होता है और काफ़ी हर साल सपोर्ट मिलता रहा है यहाँ का आम जनता को। तो इस बार भी उम्मीद करते हैं कि सारा सपोर्ट रहेगा, हम लोग की तरफ से भी सपोर्ट हम लोग कोशिश करेंगे करने का। सर, दर्शक कैसे इस इवेंट में आएंगे, आने का कुछ? यहाँ पे पासेस उपलब्ध कराए गए हैं, पासेस लिमिटेड है क्योंकि इसमें सुरक्षा का भी बहुत ध्यान रखा गया है और इसमें जो युगल आएंगे युगल की ही केवल एंट्री है इसमें। और इसमें जो भी है वो दैनिक जागरण के ऑफिस से पासेस उपलब्ध हैं वहाँ पे, जो एक सीमित मात्रा में है, तो सही जो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये चीज़ होगा, उपलब्ध होगा और ये आज और कल ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज कल दोनों दिन दैनिक जागरण के द्वारा जो ये डांडिया का आयोजन किया जा रहा है, ये कोरोना पैंडेमिक के बाद की स्थिति है और लोग काफ़ी इस डांडिया को पसंद कर रहे हैं, काफ़ी हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि दैनिक जागरण का एक ब्रांड कार्यक्रम है ये और इसमें भोजपुरी और बॉलीवुड के कई कलाकार भी आ रहे हैं। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम है, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर को आयोजित होगा, जिसमें 1 अक्टूबर को जो है वो सांस्कृतिक बच्चों का कार्यक्रम डांस प्रतियोगिता है, इंटर स्कूल डांस कॉम्पिटिशन है, उसमें ज़िले के सभी स्कूल से बच्चे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं और जो भी कोचिंग संस्थान हैं ज़िले के अच्छे कोचिंग संस्थान जो बच्चों को डांस सिखा उन लोगों का भी परफॉर्मेंस होगा और जजेस भी बाहर से आ रहे हैं, उनका वो जज करेंगे कि कौन बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और जो 2 अक्टूबर का कार्यक्रम वो अक्षरा सिंह का कार्यक्रम है, जो भोजपुरी वो अभिनेत्री हैं और गायक हैं, गायिका हैं, तो उनके द्वारा ये परफॉर्मेंस होगा। शहर में बहुत लोग पसंद कर रहे हैं इस कार्यक्रम को और काफ़ी हमें मतलब उसका
लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं कि कैसे इसमें पास की व्यवस्था है, और उम्मीद करते हैं कि शहर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने के लिए इसमें आए। स्टेशन कार्ड के माध्यम से हम लोग करीब शहर में 4,500-5,000 कार्ड बांटते हैं। कोशिश हम लोग की होती है कि अच्छी भीड़ जुटे, फिर भी 4,000 के आसपास की भीड़ हम लोग के यहाँ इस कार्यक्रम में लोग जुड़ते हैं। सभी वर्गों के लोग होते हैं, मुजफ्फरपुर में जितने भी कई अलग अलग सोसाइटी के लोग होते हैं, गुजराती समाज, मारवाड़ी समाज, पंजाबी समाज, इन सारे समुदायों के लोग इस इवेंट में पूरा एंटरटेन करते हैं। और चूँकि ये हर साल जागरण इवेंट कराता आ रहा है, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं इस बार का डांडिया और अच्छा करे और अच्छा होगा। और इसके साथ ही हम सब लोग आप लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि आप अपने स्तर से भी और लोगों को इन्वाइट करिए इस प्रोग्राम में आने के लिए, और इन्जॉय करिए आप सब लोग। नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ आपकी अपनी अक्षरा सिंह, आ रही हूँ आप सभी लोगों से मिलने 2 अक्टूबर को आपके अपने शहर मुजफ्फरपुर दैनिक जागरण के डांडिया नाइट में आप सभी के साथ डांडिया खेलने। तो आप लोग भी आना मत भूलिएगा, हम साथ मिलकर मचाएंगे धमाल। सी यू ऑल देयर, लव यू ऑल, थैंक्स टू दैनिक जागरण। हेलो गाइस, नमस्कार, मैं बिस्वा आ रही हूँ आपके शहर मुजफ्फरपुर में दैनिक जागरण के डांडिया नाइट में परफॉर्म करने एंड आप सब लोगों के साथ डांडिया खेलने ऑन 2 अक्टूबर, थैंक्स टू दैनिक जागरण। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड, लव यू ऑल। हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्मृति सिन्हा। 1 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर इंटर स्कूल डांडिया कंपटीशन में मैं आ रही हूँ आप सभी के साथ डांडिया खेलने, नवरात्रि मनाने और बहुत सारी मस्ती करने। थैंक्स टू दैनिक जागरण। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।